YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं डिनर पर। तो प्लान तो अभी अंगीठी का ही हुआ है, अंगीठी रेस्टोरेंट जाने का, लेकिन अब देखो कि कहाँ जाना होता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं हम आज के ब्लॉग से। वेलकम बैक टू दी अंदर ब्लॉग। तो गाइस गर्मी होने की वजह से मैंने यहाँ बना लिया है जूड़ा, वरना आप लोगों ने हर ब्लॉग में देखा होगा यार मेरी पोनी बनी हुई होती है। तो आज मैंने फिलहाल जूड़ा बनाया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद की गर्मी थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है जूड़ा भी मुझको। मम्मी यहाँ लेकर आई मेरे स्लीपर कि ये वाली पहन कर जाओ। तो खैर जाकर वहाँ जाके फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं। ये किस रेस्टोरेंट जा रहे हैं अभी? देखो जा रहे हैं कि कहाँ पर, जहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट नजर आएगा वहाँ पर हम रेडी आएंगे। तो चलो भाई फिर हम मिलते हैं। तो क्या हो गया है, किस तरह ड्राइविंग करना झटके आ रहे हैं। तो खैर अब जाकर मिलते हैं, और हमारा जाने का तो है इरादा अंगीठी ना, शायद अंगीठी ना, कंफर्म नहीं है, अभी जाके हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बता दें। गाइस एक बात ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के बाद यानी कि बकरीद के बाद, उसके बाद वाले हफ्ते में मैं खुद एक अपना चैनल बना रहा हूँ ब्लॉगिंग का। आप बेफिक्र रहे हैं, जलने वालों को मैं और जलाता हूँ। तो गाइस कितना मज़ा आ जाएगा ना जब हम दोनों का चैनल बन जाए। सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोगों को, बस आप लोग जितना जितना सपोर्ट करेंगे ना उतना उतना आगे बढ़ जाएंगे। जब जाहिर आप लोग सपोर्ट करेंगे फिर हम लोग नई नई जगहों पर जाएंगे, फिर वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, मतलब फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। जैसे जैसे सब्सक्राइब करेंगे आने वाली वीडियो फिर आप तक पहुँचती रहेगी, हर नई वीडियो आपके सब पास मौजूद होगी, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और लाइक भी कीजिए, माइक भी लेंगे अपना, माइक वगैरह। मेरा माइक तो ये रहा, नहीं नहीं मेरा नया आएगा, इसका क्लिप टूट गया, क्योंकि मेरा जो माइक होगा वो तार वाला होगा। अच्छा हाँ मेरा माइक अलग होगा। अच्छा मेरा जो माइक है ना गाइस आगे किसी क्लिप टूट गया यहाँ लगाने के लिए, तो मुझे ना यहाँ पे सेफ्टी पिन में यहाँ लगाऊंगी। तो अभी फिलहाल मुझे एल्फी नहीं मिली थी, तो खैर मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अभी तो फिलहाल कार में थी, तो मैंने कहा फिलहाल मुझे माइक की नीड नहीं है, तो वहाँ जाके अगर शोर शराबा हुआ तो फिर माइक का यूज़ करूँगी। तो खैर अभी हम लोग बादराबाद तक पहुँच गए, तारिक रोड तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये सब तारिक रोड की शॉप्स हैं। तारिक रोड में भी एक अलग ही खूबसूरती है। अभी तो फिलहाल रात हो रही है, सब शॉप्स काफ़ी बंद हो गई हैं, वरना इस एरिया में भी ना एक अलग ही खूबसूरती। एक तो सारी खूबसूरती ना काशी ब्यूटी पार्लर से। बताएं आप किस तरह वेलकम करेंगे? सबसे पहले तो मैं सलाम करूंगा, और उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर उसके बाद ये होटल में मिलेगी राइस। ये हमारा ब्लॉग है, स्टार्टिंग है, स्टार्ट है मतलब चैनल में जो मैं बोलती हूँ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वो ये इस तरह बोलेंगे। तो फाइनली गाइस हम यहाँ रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, हम आए हैं अंगीठी, ये भी वहीं पर है जो है जहाँ कोकोनट ग्रूव है उसी लाइन में। अभी हम यहाँ करने लगे कार पार्क, यहाँ आप देख सकते हैं, तो बस अभी हम चलते हैं अंदर। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पहुँच चुके थे, फिर उसके बाद पता चला कि भाई अंदर सब कुछ बुकिंग हुई हुई है, और यहाँ पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा 40 to 50 मिनट्स का हमें कहा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ नंबर नाम वगैरह लिखवा दिया, तो फिर हम यहाँ बैठ गए वेटिंग एरिया में। फिर उसके बाद वेटिंग एरिया तो उन लोगों ने कहा था 40 to 50 मिनट्स, बट ये है कि 10-15 मिनट में हमारा नंबर आ गया था। गाइस ये है अंगीठी रेस्टोरेंट की बाहर की लोकेशन, बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, और यहाँ और बाकी यहाँ सब कार वगैरह पार्क हो रही हैं। बट तो गाइस वेटिंग एरिया थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा लग रहा है हम लोग बस रोड पे आते जाते हर कोई देख रहा है, तो ये वेटिंग एरिया थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। तो खैर चलता है, बट ये है कि रश जिस हिसाब से हो रहा है, अब देखेंगे अंदर का खाना एक कैसा ब्रेक के बाद आज बड़े मूड में लग रहे मेरा चैनल बनने वाला है। चलो खैर देखते हैं गाइस, अगर इनका चैनल बन गया ना तो मेरे साथ साथ आपको इनको भी सपोर्ट करना है। तो गाइस से 20 मिनट्स के बाद हमें अंदर भेज दिया गया था। तो जब हम लोग अंदर गए तो देखा बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा ही रेस्टोरेंट छोटा सा बना हुआ था, और अच्छी मतलब पढ़ी लिखी फैमिलीज आई हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के। तो अंदर हम लोग आ चुके हैं, ज़ोर से बोलें थोड़ा ज़ोर से, क्योंकि यहाँ सॉन्ग्स वगैरह चल रहे, तो ऐसा ना हो कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ जाए। तो खैर गाइस यहाँ मेन्यू कार्ड मेरे सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। आज मैं आपकी पसंद से खाऊंगी चिकन मखनी अंडी, चिकन मखनी अंडी, ये चिकन मखनी ने पनीर मंगा लेते हैं, पनीर नहीं है, पनीर ये नहीं ना, ये देखे ना ये नहीं,
पनीर रेशमी हांडी। हाँ पनीर रेशमी ये कहिए ना कुछ न्यू न्यू डिश हो जाएगी ताकि हम सबको बता भी सकें। मखनी हांडी और ये सब जो है ना, ये ठीक है तो बस एक ये डन हो गया। ठीक है और ना मेरा जो है ना वो फ्राइज खाने का बहुत दिल चाह रहा है। चलो एक चिकन फ्राई, बस अब पता नहीं आपकी फ्राइज कैसी होगी। प्लेन फ्राइज, हाँ प्लेन मसाला फ्राइज, गार्लिक फ्राइज, गार्लिक फ्राइज, ज्यादा पीना बनाए मंगा लें पर अगर तुम्हारा समझ नहीं आई। नहीं अच्छी होगी। चलो फ्राइज बोल दो। हाँ तो गाइस आज मैं इनकी पसंद से डिनर करूँगी। एक्सक्यूज मी ऑर्डर ले लें। एक पनीर रेशमी हांडी है। हाँ ये दे रहे हैं ऑर्डर। आप लिख लें। और एक ये कर दें। अच्छा हांडी हाफ क्या आइएगा। नान गार्लिक नान। गार्लिक नान जी। फ्राइज अभी हमारे यहाँ आ चुकी है तो अभी हम इसको ज़रा खाते हैं, उसके बाद फिर हमारा खाना आएगा। खाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो जब तक हम फ्राइज से थोड़ा पेट शेट दें। कैसी है? अच्छी है ना, सॉस अच्छा है। जलापेनो फ्राइज ना। फाइनली गाइस हमारे यहाँ डिनर भी आ चुका है। फ्राइज तो पहले ही आ गए तो रात के हम लोग खा चुके हैं तो बस अभी ये खोल रहे हैं। जल्दी जल्दी प्लेट्स वगैरह भी निकालें। जी 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 ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है कढ़ाई। पनीर हांडी है ना, पनीर हांडी और ये जलापेनो फ्राइज। तो खैर चलो जी अभी खा पी के मिलते हैं। तो गाइस यहाँ हम लोगों ने निकाल ली अपनी अपनी प्लेट्स में। ये रही इनकी प्लेट्स, ये रही मेरी प्लेट्स। तो बस अब यहाँ नान, प्लेन नान का है। ठीक है ठीक है। नहीं ये तो वो वाला है ना गार्लिक नान, गार्ड। हाँ ये गार्लिक है तो लें आप। आप प्लेन खाएंगे? तो गाइस इन्होंने तो मंगाया अपना प्लेन नान और मैंने मंगाया गार्लिक नान। तो मैं फ़िलहाल ये खाती हूँ और वो ये खाते हैं अपना प्लेन नान। रहीम तो मतलब स्टार्ट करते हैं हम खाना। खाना बहुत आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास है। बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। हाँ ये भी खा रहे हैं। बहुत आउट क्लास, बहुत मज़े का है। A few moments later. डिनर करके बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मैं तो बिल्कुल खा चुकी, पेट इतना फुल हो गया यहाँ तक भर गया और ये अभी भी डिनर कर ही रहे हैं। बहुत थोड़ा सा मतलब कि ओझड़ी ना थी, जोड़ी थी। तो खैर ये देखिए और दिखा ना, इस तरीके से तो गाय डिनर मैं यहाँ कर चुकी थी। बस थोड़ी सी फ्राइज रह गई थी तो मैंने कहा चलो भैया दो चार फ्राइज हैं ये भी खा पी कर ख़त्म करते हैं। तो गाइस यहाँ हमारा बिल वगैरह आ चुका है, बाकी जो बचा तो हमने करवा लिया पार्सल। और यहाँ इन्होंने हमें वो दिया है मतलब के बताने कमेंट्स देने के खाना कैसा है। तो खैर अब याद मैं देती हूँ कमेंट्स। पहला है कस्टमर सर्विस, तो मैं दूँगी 5 पॉइंट्स। फूड क्वालिटी 5 पॉइंट्स। फूड टेस्ट 5 पॉइंट्स। तो गाइस यहाँ मैंने कमेंट्स पास कर दिए कि ऑल डिशेस आर गुड बट पनीर हांडी इज़ वेरी टेस्टफुल, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े की थी। गाइस डिनर वगैरह करके बिल्कुल फ्री हो चुकी है और बस अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो कैसा था आपको ये वाला रेस्टोरेंट, आपको कैसा लगा? गाइस रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और कहा तो ये था कि वेटिंग में आप बैठ जाओ 40-50 मिनट्स लगेंगे, बट ये है कि जल्दी जल्दी नंबर आ गया था। और खाने में भी यही कहा था कि खाने में कितना टाइम कहा था, 22-30 मिनट्स था, बट ये है कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर आ गया था खाना भी। तो खैर बहुत अच्छी सर्विस थी, बहुत ज़बरदस्त। हम लोगों ने पनीर हांडी खाई और साथ है जलापेनो फ्राइज, तो खैर दोनों ही बहुत मज़े की थी। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अंगेटी रेस्टोरेंट। और आप लोगों को एड्रेस तो ऑब्वियस के पता ही होगा क्योंकि वो ये कोकोनट ग्रूव की लाइन में ही है। तो गाइस यहाँ इनके बाबा को ना बकरे पसंद आ गए हैं कुर्बानी के लिए, तो ये अब बात करने चले गए ये बकरे वालों से, बकरे देखने के लिए गए। गाइस जब हम लोग जा रहे थे ना तो फिर हम लोगों ने यहीं से पेट्रोल भरवाया था, तो
जब भी इन्होंने यहाँ पे जब बकरे देखा ना उनसे बात की कि भाई कितने की देर हुई है, वो आते हुए फिर यहीं पे कार इन्होंने रोक ली। लग रहा है कि आज ये लेकर ही जाएंगे और पीछे बैठेगा हमारा बकरा बैठ के तो लग रहा है इस गाड़ी में मैं बाहर होंगी, बकरा अंदर होगा। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, आप सबके पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके मुझे मेरे सबसे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना। और बस मैं जा रही हूँ अपने घर वापस और मिलने मुझे मिलना है अपनी बेटी से, तो टाटा बाय।